हे गाइस, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल द वरुण साबिर में। सबसे पहले मैं आप सभी लोगों से कुछ बात करना चाहता हूँ। भाई साहब, बात यहाँ पर यह है कि हमारा जो चैनल का नेम है द वरुण साबिर, इसे हम चेंज करने वाले हैं, क्योंकि हमें कहीं ना कहीं लग रहा है जो हमारे यूट्यूब का जर्नी है वो उस मुकाम पर नहीं पहुँच पा रहा है जिसके लिए हम बने हैं और जिसके लिए हम निरंतर मेहनत कर रहे हैं। तो इस वजह से हमने ये सोचा है कि हमारा चैनल का कुछ अलग नाम होना चाहिए। ये नेम में उतना कमाल नहीं हो पा रहा है जितना हमने सोचा था, कुछ सोच कर ये नाम रखा था हमने, क्योंकि ये नाम हमारे साथ, ये नाम बहुत पहले से जुड़ा हुआ है। इस वजह से हमने सोचा चलो इसी नेम को हम आगे लेकर चलेंगे और इसके साथ एक बड़ा मुकाम हासिल करेंगे, बट वैसा कुछ नहीं हो पा रहा है। तो आप क्या सोचते हो, क्या हमारे चैनल का नाम सही में यहाँ पर चेंज करना चाहिए? क्या सोचते हो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर अपना राय जरूर देना भाई साहब, क्योंकि मैं थोड़ा सा यहाँ पर परेशान हूँ इस चीज़ को लेकर। तो कमेंट जरूर करना इस बारे में। आज का जो टॉपिक है वो बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड है। आपने सुना होगा कि केवाईसी करने के बहुत सारे तरीके हैं। आप भी किसी केवाईसी के लिए आपको बैंक जाना पड़ता होगा, या फिर अगर आप पेटीएम का केवाईसी करवाते हो तो उसके लिए आपका उस शॉप पे जाना पड़ता होगा जो कि पेटीएम केवाईसी करता है, या फिर डिफरेंट बहुत सारे डिजिटल वॉलेट हैं, या फिर बहुत सारी चीज़ों में आपको केवाईसी करना पड़ता है जिसके लिए बहुत ज़्यादा झमेला आपको करना पड़ता है, कभी कभार पेपर वर्क करना पड़ता है, या फिर आपको ओटीपी बेस्ड यहाँ पर केवाईसी करना पड़ता है। तो बहुत से लोग बैंक या फिर कुछ भी कहीं भी जाने में से परेशान रहते हैं, वो नहीं जाना चाहते, वो चाहते हैं कि घर बैठ के हमारा काम हो जाए। तो उसके लिए है भाई आधार बेस्ड ओटीपी। तो अगर आपका मोबाइल नंबर वहाँ पर रजिस्टर्ड नहीं रहता है तो आप उसे नहीं कर सकते हो। तो अब देखो यहाँ पर क्या हुआ है कि केवाईसी करने के जितने भी तरीके हैं उससे, उस झंझट से यहाँ पर निजात पाने के लिए एक नया तरीका को इंट्रोड्यूस कर दिया गया है और आरबीआई ने इसे मंजूरी भी दे दी है। अब आप वीडियो कॉल के थ्रू से केवाईसी कर सकते हो। इस केवाईसी के नाम है वीडियो केवाईसी, जहां पर आप वीडियो कॉल को यूज़ करोगे। आपको वीडियो कॉल पे जाना है, वीडियो कॉल करना है, अपना चेहरा सामने लाना है और आपको अपना डिटेल्स वहां पर बताना है, और साथ ही साथ आपको अपना जो भी प्रूफ है, आईडी प्रूफ, आपका जो पैन कार्ड है या फिर जो आधार कार्ड है, जो भी प्रूफ है उसे आप ऑन द कॉल आपको कैमरे के सामने लाना है, उसे क्लियरली कैप्चर करना है। ये बहुत ही अच्छा तरीका है। आपको ना ही बैंक जाना पड़ेगा, ना ही किसी शॉप पे जाना पड़ेगा और ना ही कोई पेपर वर्क करना पड़ेगा। आपका काम इजीली घर बैठे हो जाएगा। अब ये काम कैसे करेगा भाई साहब? आप व्हाट्सएप के थ्रू से वीडियो केवाईसी नहीं कर सकते हो, आप गूगल डुओ के थ्रू से वीडियो केवाईसी नहीं कर सकते हो। यहाँ पर जो बैंकिंग सेक्टर वाले जो कंपनीज हैं या फिर जो बैंक्स हैं, वो लोग यहाँ पर क्या करने वाले हैं, जियो कोऑर्डिनेट्स को यहाँ पर काम में लेने वाले हैं, और जो भी आपका वीडियो कॉल होगा वो कंपनी के वेबसाइट पे वहाँ पर दिखेगा आपको, वहाँ पे जाके आपको वीडियो कॉल करना पड़ेगा। या फिर अगर आप पेटीएम में आप करते हो केवाईसी, तो वहाँ पर आपको पेटीएम में वीडियो कॉल का ऑप्शन मिलेगा, वहाँ पर आप वीडियो केवाईसी को जब ऑन करोगे तो वो फिर वीडियो कॉल होगा आपके नंबर पर। तो इस तरह से वीडियो केवाईसी होगा और आपका ये थर्ड पार्टी एप्लीकेशन पे काम नहीं करने वाला है। जिसका भी आपको केवाईसी करना है उसी के ऐप पे मिलेगा या फिर उसी के वेबसाइट पे ये वीडियो केवाईसी का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। सबसे यहाँ पर फायदा होने वाला है पेटीएम या फिर दूसरे डिजिटल वॉलेट्स को, जिनका यहाँ पर केवाईसी इजी वे में नहीं हो पाता था और बहुत से लोगों को यहाँ पर केवाईसी करवाने का जरूरत होता था। तो उन लोगों के लिए यहाँ पर बहुत ही अच्छी खबर है कि वीडियो केवाईसी को मंजूरी मिल चुकी है और आप अब घर बैठे वीडियो कॉल के थ्रू से अपना केवाईसी कर सकते हो और अपना जो भी वैलेट लिमिट है उसे बढ़ा सकते हो या फिर रेगुलरली धमाकेदार टाइप से यूज़ कर सकते हो। तो दोस्तों, ये था आप सभी लोगों के लिए एक छोटा सा गुड न्यूज़ कि अब आप वीडियो कॉल के थ्रू से केवाईसी करवा सकते हो। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज के वीडियो सभी को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगता है तो एक लाइक से जरूर देना, इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करो, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी करके ही जाना। तो दोस्तों, मिलता हूँ एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहे, खेलते रहे और बोलते रहे भारत माता की जय। धन्यवाद। We'll be right back.